अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है साहिल शेख। आज मैं आपको बताऊंगा क्या जीमेल अकाउंट जब हम बना लेते हैं तो लाइफ टाइम और हमेशा के लिए हम जीमेल अकाउंट को किस तरह से डिलीट करें जिसका यूज़ बाद में कभी भी ना हो। जब हम ईमेल आईडी और पासवर्ड डालें, ओपन करें तो ओपन भी ना हो, तो लाइफ टाइम के लिए डिलीट किस तरह से जीमेल अकाउंट को किया जाए वो हम आज देखेंगे। तो वो लेक्चर देखने से पहले दोस्तों, जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वो सब्सक्राइब कर ले, ताकि जितने भी मेरे चैनल के वीडियो चैनल पे वीडियो अपलोड होए तो आपको नोटिफिकेशन उसका आ जाए, तो मेरे हर वीडियो आप नोटिफिकेशन पे देख सकेंगे और मेरे चैनल पे भी आप देख सकेंगे, तो सब्सक्राइब कर ले दूँगा। तो दोस्तों पहले हमारा था कि हमें जीमेल अकाउंट लाइफ टाइम के लिए डिलीट करना है, तो हम आ जाइए गूगल पे, गूगल ऑन कर लीजिए और यहाँ पे जीमेल टाइप कीजिए। जीमेल टाइप करने के बाद ये आ गया है जीमेल। तो अभी हमें जीमेल ईमेल फ्रॉम गूगल इस पर क्लिक करना है और इसे जो है क्लोज कर लेना है। तो दोस्तों ये मैंने अपना जो है वो बना के रखा है, पहले से मैंने ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के सेव कर चुका है। या तो आप यहाँ पे आपको साइन इन लिख के आएगा, साइन इन पे क्लिक करके आप ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल ले, तो मैं पहले से डाला हूँ। ये पासवर्ड है, आप पासवर्ड डाल ले ये मेरा बहुत पुराना अकाउंट था और इस पर मुझे कुछ काम नहीं है, आपको सेव करना है सेव कर ले, नेवर करना है नेवर कर ले, इस तरह से एग्री कर ले, ओपन कर लीजिए उसे। ये जो है मेरा ओपन हो रहा है, ये ओपन हो गया। ऐसे ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करने के बाद माय अकाउंट पे क्लिक करना है। बेसिकली मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, आपको गूगल पे आना है, जीमेल टाइप करना है, जीमेल ओपन करके आपकी ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के उसे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपकी फ़ोटो या आइकन बना होगा, उस पर क्लिक करके आप माय अकाउंट में जाना है। माय अकाउंट में जाने के बाद आपको नीचे आना है, नीचे देखना है दोस्तों, यहाँ पे लिखा है डिलीट योर अकाउंट और सर्विस, इस पर क्लिक कर देना है आपको। इस पर क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन आ जाएगा आपके पास, डिलीट प्रोडक्ट, डिलीट गूगल अकाउंट एंड डाटा। तो दोस्तों मैं प्रोडक्ट ही डिलीट करूँगा, तो मैं डिलीट प्रोडक्ट पे क्लिक करूँगा। फिर आपको ये ईमेल आईडी पासवर्ड पूछेगा, ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल लीजिए और साइन इन पे क्लिक कर लीजिए। तो ये बोल रहा है क्या हम मुझे 8132 जो है कन्वर्जेशन है, ईमेल आए हैं, यूट्यूब पे 3 वीडियो अपलोड है और गूगल प्लस पे 1 फ्रेंड एंड 4 सर्कल है। तो दोस्तों मुझे सभी डिलीट करना है, मैं इसे डिलीट कर लूँगा, डिलीट गूगल प्लस, मैं यूट्यूब पे जो 3 वीडियो अपलोड किया है उसे भी मैं डिलीट करना चाहूँगा। आई वॉन्ट टू परमिट, देखो दोस्तों ये आई वॉन्ट टू हाइड माई चैनल, इस पर एक ऑप्शन है और दूसरा ऑप्शन है आई वॉन्ट टू परमानेंटली डिलीट माई कॉन्टेंट, तो आप परमानेंटली कर लीजिए क्योंकि आपको लाइफ टाइम डिलीट करना है। अगर आपको यूट्यूब का चैनल रहने देना है तो आप उस पर रहें, और ये यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। तो ये कॉन्टेंट डिलीट योर सक्सेसफुल डिलीट योर यूट्यूब कॉन्टेंट। फिर मैं बैक आऊँगा, फिर मैं इस पर साइन इन करूँगा,
ये जो है जीमेल, जीमेल को भी मैं डिलीट कर दूंगा। अपना रेडिफ मेल अकाउंट ऑन करना है। मैं अपना रेडिफ मेल अकाउंट ऑन करूंगा। ये मेरा ऑन हो गया है, मैं रेडिफ मेल पे जाऊंगा। ये बताया है मुझे, मुझे मैंने आपको बताने के लिए 2 से 3 बार किया है, इसलिए 2 से 3 बार मुझे ईमेल आया है। तो फिर मैं जो लास्ट में जो ईमेल आया है 37 को, उस पर मैं जाऊंगा। उस पर जाने के बाद मैं इस पर क्लिक कर लूँगा। उस पर क्लिक करने के बाद वो सर्च हो रहा है, कंफर्म जीमेल डिलीटेशन। देखो ये मैं यस कर लूँगा, और यस करने के बाद डिलीट जीमेल पे क्लिक कर लूँगा, और यहाँ पे आया डन कर लूँगा दोस्तों मैं। ये हो गया डन, और इसे मैं जो है साइन आउट कर दूँगा। अब मैं अगर इसे साइन इन करता हूँ, अभी मैं इसे साइन इन करता हूँ और पासवर्ड डालता हूँ, तो ये आ गया है। फिर हमें क्या करना है, डिलीट प्रोडक्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे सत्यम में जेते साइल चेक लेना है। हाँ सेव करना है। यहाँ पे लिख के आया, देखो दोस्तों आपका डाटा डाउनलोड करना, डाउनलोड कर लीजिए और चूज आ सर्विस ब्लू। तो ये जो है आपका फिर हमें माय अकाउंट में जाके डिलीट योर अकाउंट में आना है, फिर डिलीट गूगल अकाउंट डाटा में आना है। प्रोडक्ट डिलीट हो गया है। अकाउंट डाटा में आने के बाद फिर इस पर हमें यस क्लिक करना है। फिर इस पर भी हमें हमें यस क्लिक करने के बाद ये लिखा है परमानेंटली, इसे भी यस क्लिक करने के बाद डिलीट अकाउंट में आके हमें डिलीट करना है। जहाँ जहाँ मैंने प्ले स्टोर जहाँ जहाँ ऑन किया था वहाँ से डिलीट हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे लिख के आ गया मैसेज, योर गूगल अकाउंट एंड ऑल इट्स डाटा हैव बीन डिलीटेड। अब मुझे इसे क्लोज कर लेना है, इसे भी मुझे क्लोज कर लेना है। फिर मुझे इस पे इसे भी क्लोज, सब को क्लोज कर लेना है। फिर मुझे वापस से गूगल में जाना है, और मुझे यहाँ पे टाइप करना है जीमेल, क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आने के बाद ऐड अकाउंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे वही जो जिसे डिलीट किया था उसे नेक्स्ट करना है। देखो दोस्तों लिख के आया, सॉरी गूगल डज नॉट। फिर मुझे वही प्रोडक्ट डिलीट कीजिए, और जितना मैंने बताया उस पर देखिए। और अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।